हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जनाब बात की जैसे कि अभी बज रहे हैं सुबह के 12:30 एंड अपने को आज जाने का है माही। उससे पहले मैं तुम लोग को एक गुड न्यूज़ बता देता हूँ कि हमारा जो चैनल है फाइनली वो मोनेटाइज हो गया, तो उससे भी अर्निंग वगैरह होने वाली है। तो काफ़ी बढ़िया बात है, क्योंकि मैं 1 साल से मेहनत कर रहा था और इस दिन का इंतज़ार था कि भाई कब अर्निंग स्टार्ट होगी हमारी। क्या भाई, हमने कर्टन वगैरह लगा दिए, मम्मी लोग ने लगा दिया यार। देखो हार के नज़ारे देख सकते हो, बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है। मेरे को जाने का माहिम डेंटिस्ट के पास, तो मैं जो है बाइक लेके नहीं जाने वाला हूँ। धूप वगैरह हो गई और हाईवे का सीन रहता है। जो चीज़ है अपन ने लाई थी माहिम से शेल्फ, तो इसको भी अपन ने फिट वगैरह कर दिया। और ये जो है लक्की बैम्बू ट्री, इसको यहाँ रख देते हैं। अभी ऊपर से काफ़ी ज़्यादा सूख रहा है क्योंकि इसको स्प्रे करना पड़ता है पानी, बट अपने पास वो है नहीं, तो वो भी देखता हूँ। माहिम जा रहा हूँ, माहिम में अगर मिल गया तो ले देंगे। तो इसका जो पानी है वो चेंज करते हैं, फिर उसके बाद मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि भाई मोनेटाइज हमारा कैसे हुआ चैनल। तो देखो बात ऐसी होती ना कि एक बंदा अगर वीडियोस बना रहा है तो सोचता है कि भाई मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो जाए और अर्निंग होने लगे। तो मैंने ये चीज़ कैसे की, क्योंकि देखो मोनेटाइज होने के लिए 4000 घंटा वॉच टाइम चाहिए होता है और 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होता है। 1000 सब्सक्राइबर तो हमें मिल गए थे, बट वॉच टाइम हमारा कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। फिर हमारा वॉच टाइम भी कंप्लीट हो गया, फिर मैंने रिव्यू में दिया था, बट यूट्यूब ने थोड़ा सा टाइम लगा दिया, 1 हफ्ते में आ जाता है। बट मेरे को तो मन लाइक 15 डेज़ to 18 डेज़ हो गए थे रिव्यू में डाल के। फिर उसके बाद अब जाके रिजल्ट आया कि भाई आपका चैनल एलिजिबल है मोनेटाइज के लिए, आप मोनेटाइज करो, एडसेंस पे अकाउंट बनाओ और अर्निंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि देखो एक बंदा अगर मेहनत कर रहा है पिछले 1.5 साल से, वो क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको भी अर्निंग हो और चैनल उसका मोनेटाइज हो, तो भाई आगे अच्छा होगा ना काम करने में। अभी देखो पहले क्या होता था, पहले अपन वीडियो डालते थे बट उससे कोई भी अर्निंग नहीं होती थी, एड्स तो आते थे हमारे चैनल में, बट अभी जितने भी एड्स आएंगे ना तो सब पे रेवेन्यू जनरेट होगा। बट वो कितना होगा क्या होगा मुझे उसका कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि अपन इतने बड़े यूट्यूबर तो है नहीं जो भर भर के अपने को व्यूज़ आएंगे। अजीजा की साइकिल देखो यहाँ खड़ी है, और मेरी जो साइकिल है ना भाई साहब, अपन ने जाया है नीचे रखवा दी, ठीक है, यहाँ रखेंगे तो जगह है वो ब्लॉक हो रही थी, तो इसके लिए मैंने सोचा कि भाई नीचे रख देते हैं। तो भाई फाइनली जो है निकल चुके हैं अभी छतरी में और ऑटो पकड़ने के लिए जा रहे हैं। भाई बारिश काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आ रही है और कपड़े भीगने जाए, बस ये चीज़ का ध्यान रखना है, हवा भी काफ़ी चल रही है। अभी जाते हैं भाई ऑटो पकड़ते हैं, ऑटो पकड़ना इतना मुश्किल नहीं है, बस पकड़ना यहाँ से मुश्किल, ऑटो तो यूँ ही मिल जाती है, बस पकड़ना है। बट हाँ, तीसरे आदमी के लिए इंतज़ार होना करना पड़ता है, तीसरा आदमी आएगा तो उसके बाद ऑटो वाला देख ही चलेगा। ऊपर भीग रहा है तो अंदर रखना जरूरी है, नहीं तो आगे के ब्लॉग नहीं मिलेगी। जाने दे जो भी बीत, ओ जगे ताने पे ताने दे उनकी सुने ना। देखो सावन आए रे मन हसाए मितवा, और सारी उम्र ना गवा दे मितवा, क्यों सोचे बादल भरे हैं जबकि वो तो रुके हैं, क्योंकि बारिश तो आनी है ना। तो गाइस फाइनली जो है हम लोग माहिम पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे जो सीन हुआ ना कि भाई इसकी गाड़ी में जो है ऊपर का है नहीं विंड सीटर का, तो देख रहा है हमें जुगाड़ वगैरह कर रहे हैं, और मेरे को बोला उन्होंने डेंटिस्ट के वहाँ पे छोड़ देता हूँ तो अच्छा हो जाएगा, फिर वहाँ से जो है ये अपना काम कंटिन्यू करेगा। ये घाई घाई में इंसान है ना, चीज़ें भूल जाते हैं, और वैसे इतने विंड सीटर भूल गया घाई घाई। अरे बोलो ना सूरज की किरणें, आने दे मेरे मित्र। तो गाइस अभी मैं क्लिनिक में जाके आ गया, और सीन कोई ऐसा है ना क्या भाई, हमारा दांत जो है आने वाला था जो कैप वो अभी आया ही नहीं है, उन्होंने कहा क्या 2-3 दिन में आ जाएगा, आपको कॉल करके बता दिया जाएगा। मेरी गलती ये हो गई कि मेरे को वहाँ से नंबर दे दिया, कॉल करके पूछ लेना चाहिए क्या भाई दांत आया कि नहीं। मैं इतना दूर से मलाड से अभी आया हूँ माहिम, अभी देखते अभी अपने फ्रेंड्स वगैरह से मिलते जाते माहिम दरगाह पर भी दराज वगैरह कर लेते, फिर उसके बाद डायरेक्ट अपन घर पर जाएंगे। तो यहाँ से चलता हूँ मैं फटाफट, और बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं दे रही है।